So today we are going to discuss about the metal semiconductor junctions. So I already told you that in electronics, अगर आपको कभी भी कोई electronic device के बारे में study करना है, if you wanted to study about the electronic devices, कोई भी device हो, electronics की कोई भी device हो, उस device के अंदर there are only four different type of structures or junctions exist. Number one, there may be a metal semiconductor junction, or there may be a MOS, MOS junction, or there may be a PN junction, or there may be PN hetero junction. सिर्फ और सिर्फ ये चार टाइप के जंक्शंस आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर मिलेंगे. मान लो जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मतलब जैसे आपकी पीएन जंक्शन डिवाइस है. अब आपको इस पीएन जंक्शन डिवाइस की स्टडी करनी है, आपको ये पता लगाना है कि यार इसके अंदर चार्ज कैरियर कैसे फ्लो होते हैं, मतलब होल्स किधर फ्लो होते हैं, इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो होते हैं. अगर मैं इस डिवाइस के ऊपर वोल्टेज लगाऊंगा लेट से, तो मुझे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगी, करंट इसके अंदर कैसे फ्लो होगी, मान लो ये पता लगाना है. तो अगर आपको इंडिविजुअली इन चार जंक्शंस की अलग से स्टडी पता है, इन चार जंक्शंस की कि पीएन हेट्रो जंक्शन की पता है, पीएन होमो जंक्शन की पता है, मॉस जंक्शन की पता है, और मेटल सेमीकंडक्टर, तो जैसे ये पीएन जंक्शन डायोड की अपने आप पता चल जाएगी. जब आपको पीएन जंक्शन की पता है और मेटल सेमीकंडक्टर की पता है, तो अब इस डिवाइस के अंदर क्या आया, एक तो पीएन जंक्शन आया और यहाँ पे दो मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन आए, एक ये मेटल आ गया और एक ये सेमीकंडक्टर आ गया. तो ऑटोमेटिकली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द पीएन जंक्शन डायोड. अगर मान लो आपका कभी पीएनपी ट्रांजिस्टर है, तो फिर से वही बात आ गई. अब अगर आपको पीएन जंक्शन की स्टडी पता है, तो यहाँ पे दो पीएन जंक्शन एग्जिस्ट करते हैं और यहाँ दो मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शंस होते हैं, ये एक ये रहा, एक ये रहा. So, आपको ऑटोमेटिकली यू नो द पीएनपी ट्रांजिस्टर, हाउ डज इट वर्क, हाउ व्हाट विल बी इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑल. सो ये चार जंक्शंस इंपॉर्टेंट हैं सेमीकंडक्टर डिवाइस के अंदर, जिसमें से पीएन होमो जंक्शंस यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द इन योर यूईसी 001. इन दिस पर्टिकुलर कोर्स वी आई एम ट्राइंग टू यू नो इनकॉर्पोरेट मेटल सेमीकंडक्टर एंड एमओएस जंक्शन. ये दो जंक्शंस इसके अंदर मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरे करने की, क्योंकि हमारा ये भी आगे प्लान है कि हम लैब के अंदर भी सेमीकंडक्टर और मेटल जंक्शंस बनाएं. नेक्स्ट मे बी नेक्स्ट बैच के साथ हम बनाएंगे सेमीकंडक्टर वेफर्स, हमने ऑर्डर कर ली हैं, एंड हम मेटल उसके ऊपर बनाएंगे, एंड देन हम मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन का कैरेक्टराइजेशन करेंगे. ये चीजें हम कोशिश कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर. ओके, सो व्हाट इज मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन? सो व्हाट विल बी द कंटेंट इन दिस लेक्चर? Metals, semiconductor, what is the metal semiconductor junction? So what is the Schottky barrier, rectifying contact, ohmic contact, typical Schottky barriers? This we will understand in this. Metal, what is a metal? We all know metal is a good electrical conductors. In this, there are large number of free electrons. Why there are large number of free electrons? Because in this particular kind of a materials, the conduction band and the valence band get overlapped. If they get overlapped, so the valence band is completely filled and the conduction band is completely empty. So what happens, whatever the electrons, they are moving in the valence band, now they have some free states here. So if they have some free states here, what does it mean? It means these electrons, these large number of electrons which were there in the valence band, now are free to move into the crystal. और जब ये फ्री है क्रिस्टल के अंदर मूव करने के लिए, सो द कंडक्टिविटी ऑफ सच मटेरियल इज वेरी वेरी हाई. ओके, व्हाट अबाउट द सेमीकंडक्टर? सेमीकंडक्टर मीनिंग इट्स अ हाफ कंडक्टर, इट्स नॉट प्योरली अ कंडक्टर एंड नॉट इंसुलेटर, इट्स अ हाफ कंडक्टर. एंड व्हाट डज इट, व्हाट इज द यू नो स्टेट, और व्हाट इज द ईवी एंड ईसी you can say placement, where is the placement of EC and EV? So here EC lies above the EV and there is a band gap. There is a gap where there is no state lies in between. This band gap is known as a energy band gap. And the band gap between the semiconductors is lies somewhere from 0.6 to
6 to 3 electron volt. These are the generally typical value of the energy band gap in case of a semiconductor. So here what happens is this valence band is completely filled with the electron. However, the conduction band is completely empty with the electron at 0 Kelvin. This situation 0 Kelvin par hoti hai. Kya? Ki conduction band is completely empty and valence band is completely filled. So, but you know, as soon as you take the semiconductor at room temperature, meaning at let's say 25 degrees Celsius, let's say to 98 Kelvin, what happens is some of the electrons can jump here from the valence band to the conduction band and they become free in the conduction band. But now the number of electrons are less as compared to the metal. So in semiconductor, you have a less number of electrons which are easily, which are freely moved into the crystal, and that's why they are known as a semiconductor. They are not fully conductor. Okay, what happens if, let's say, we make a junction between these two material? Let's say if we make a junction between metal and semiconductor, what does it mean by a junction? Junction ka sirf itna matlab hai, jaise humne, aapne dekha hoga lab 2 ke andar, humne kya kiya tha? Humne film, ek aluminium ki film leke aur ग्लास के ऊपर डिपॉजिट कर दी थी। अगर हम एल्युमिनियम की फिल्म को ग्लास के ऊपर ना डिपॉजिट करके, लेट से हम एक सिलिकॉन वेफर लेते हैं, सिलिकॉन वेफर, और सिलिकॉन वेफर के ऊपर एल्युमिनियम डिपॉजिट कर देते हैं, तो ये बन गया जंक्शन। ये एक जंक्शन कहलाता है, जंक्शन, और यू कैन से इट्स इंटरफेस, है ना, ये एक इंटरफेस हो गया सेमीकंडक्टर और मेटल का। ओके, यहां पर क्या होगा, क्या यहां से यहां इलेक्ट्रॉन इधर भी और यहां से यहां इलेक्ट्रॉन इधर भी दोनों तरफ जा सकते हैं या नहीं? तो मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शंस दो तरीके के बनते हैं, दो तरीके के मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन बनते हैं। जब मेटल और सेमीकंडक्टर के बीच में कांटेक्ट होता है, तो ऐसे कॉन्टेक्ट को या तो हम ओमिक कॉन्टेक्ट कहते हैं या तो हम रेक्टिफाइंग कॉन्टेक्ट कहते हैं। रेक्टिफाइंग कॉन्टेक्ट का दूसरा नाम शॉर्ट की बैरियर या शॉर्ट की कॉन्टेक्ट भी कहलाता है। एक ओमिक कॉन्टेक्ट और दूसरा शॉर्ट की कॉन्टेक्ट। कब ये बनते हैं, क्या ऐसी सिचुएशन होंगी कि ओमिक बनेगा, क्या ऐसी सिचुएशन होंगी कि शॉर्ट की बनेगा, ये अब हमें देखने की जरूरत है। सो जनरली दिस इज द ग्राफ, दिस इज द IV कर्व बिटवीन अ मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन व्हेन देयर इज अ कॉन्टेक्ट, when there is a ohmic contact. अगर ohmic contact बनता है, तो जो IV का curve होगा, तब जब हम voltage apply करेंगे, वो एक तरीके का linear curve होता है, linear, और वो both direction में होता है, both direction में मतलब positive direction में भी, जब हम voltage को positive दे रहे हैं, तब भी current easily flow होगी, उसका एक अपना एक resistance होगा, और वो resistance change नहीं होगा voltage के साथ, और जब हम मान लीजिए negative voltage देंगे, तो भी immediately current flow होगी और उसका भी अपना एक रेजिस्टेंस होगा और रेजिस्टेंस भी चेंज नहीं होगा, रेजिस्टेंस स्लोप से दिया जाएगा। ओके, हाउएवर इन केस ऑफ ए शॉर्ट की कांटेक्ट, अगर मान लीजिए कांटेक्ट बन गया शॉर्ट की, तो शॉर्ट की कांटेक्ट की क्या होता है कि शॉर्ट की कांटेक्ट में जब हम पॉजिटिव वोल्टेज लगाते हैं, तब तो एक सर्टेन वोल्टेज के बाद इमीडिएटली करंट बढ़ती है, लेकिन नेगेटिव के टाइम पे करंट बढ़ती नहीं है, नेगेटिव के टाइम पे हमें करंट मिलती नहीं। जनरली एक डायरेक्शन के अंदर करंट का फ्लो होता है, ना कि दोनों डायरेक्शन के अंदर। ये शॉर्ट की और ओमिक में अंतर है। नाउ हाउ वी कैन मेक ए ओमिक कॉन्टेक्ट एंड हाउ वी कैन मेक ए रेक्टिफाइंग कॉन्टेक्ट, दैट इज इम्पोर्टेंट। चलो ये तो अपने आप कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगी, हमने एक बार बना लिया, हमारी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें मिल जाएंगी, लेकिन द क्वेश्चन इज कि ऐसा बनाए कैसे। ओके, नाउ शॉर्ट की पहले हम पढ़ते हैं शॉर्ट की कैसे बनाएं। शॉर्ट की बनाने से पहले हमें दो तीन चीजों का अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी। नंबर वन, मेटल के अंदर जो टॉप मोस्ट फील्ड एनर्जी लेवल होता है, उसको हम फर्मी लेवल कहते हैं। टॉप मोस्ट फील्ड एनर्जी लेवल को हम टॉप मोस्ट फील्ड एनर्जी लेवल इज नोन एज ए फर्मी लेवल। हाउएवर इन केस ऑफ ए सेमीकंडक्टर, अगर मान लिया जाए सेमीकंडक्टर आपका इंट्रिंसिक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर सपोज यू हैव, देन जो फर्मी लेवल होता है वो इन बिटवीन टू द बैंड गैप होता है। मतलब अगर ये आपका ईवी है, ये आपका ईसी है, तो बैंड गैप आपका जस्ट इन द मिडिल ऑफ दिस बैंड गैप होगा। अगर मान लिया जाए ये बैंड गैप 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, तो ये फर्मी लेवल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दूर
वैलेंस बैंड से और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट दूर कंडक्शन बैंड से होता है। ओके, अब मान लिया जाए ये इंट्रिंसिक नहीं है। इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है? इंट्रिंसिक का मतलब ये होता है कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में उतने ही नंबर ऑफ होल्स वैलेंस बैंड में, ये इंट्रिंसिक का मतलब होता है। इंट्रिंसिक का क्या मतलब होता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो वो अपने पीछे एक होल को छोड़ जाएगा, तो अगर 50 इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे तो वो अपने पीछे 50 होल को छोड़ जाएंगे, और इसीलिए फर्मी लेवल जो होता है दोनों तरफ से बराबर डिस्टेंस पर होता है। बराबर डिस्टेंस पे होने का मतलब यह है कि 50 ही इलेक्ट्रॉन है 50 ही होल है, या 100 ही इलेक्ट्रॉन है 100 ही होल है। ओके, चलो ये एक बात हो गई। अब मान लिया जाए मैंने इसको इंट्रिंसिक ना बना के मैंने इसको एन टाइप बना दिया, तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन तो बढ़कर हो जाते हैं मान लिया जाए 1,1550, और होल मान लिया जाए घट के रह जाते हैं 10। तो ये फर्मी लेवल क्या होता है? ये फर्मी लेवल कंडक्शन बैंड की तरफ शिफ्ट हो जाता है। मतलब जितना ज्यादा कंडक्शन बैंड की तरफ शिफ्टिंग, उतना ज्यादा कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन, जितना ज्यादा वैलेंस बैंड की तरफ शिफ्टिंग उतने ज्यादा वैलेंस बैंड में होल। ये मीनिंग होता है फर्मी लेवल का सेमीकंडक्टर के अंदर। ओके, तो इसका मतलब अगर मैं अब आपसे क्वेश्चन करूं कि ये एक सेमीकंडक्टर है जिस सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल यहां पर है, और एक ये सेमीकंडक्टर है जिस सेमीकंडक्टर के अंदर फर्मी लेवल यहां पर है, अब मैं इसको नाम दे दूं ए सेमीकंडक्टर और इसको नाम दे दूं बी सेमीकंडक्टर, तो क्या कोई मुझे बता सकता है आप में से कि किसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, ए में ज्यादा होंगे या बी में ज्यादा होंगे? कोई भी स्टूडेंट बता सकता है? बताइए बेटे, कोई बता सकता है ए में सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे या बी में ज्यादा होंगे? बी में ज्यादा होंगे। अभी अभी मैंने एक बात बताई, मैंने ये कहा कि जितना फर्मी लेवल कंडक्शन बैंड के क्लोज होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने बढ़ते चले आते हैं, जितना वैलेंस बैंड के क्लोज होता है उतने नंबर ऑफ होल्स बढ़ते चले आते हैं। अब ए में वो ज्यादा क्लोज है या बी में ज्यादा क्लोज है? तो जाहिर सी बात है वो ए में ज्यादा क्लोज है। अगर ए में ज्यादा क्लोज है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ए में ज्यादा होंगे ना कि बी में ज्यादा होंगे। सो प्लीज ध्यान से इन चीजों को समझिए। ये क्या है ना, आज तो आपको, मुझे पता है आज तो आपको ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन लगा हुआ है, चलो आपको नहीं लग रहा, आप तो फिर भी पढ़ने आए हो, बहुत अच्छी बात है, 10 स्टूडेंट्स तो आए, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स को आज तो ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन चल रहा है। अरे कोई बात नहीं, इसका इफेक्ट जो होगा ना टीचिंग, एज फार एज टीचिंग इज कंसर्न, हेल्थ जो कंसर्न है वो तो चलो हेल्थ डिपार्टमेंट वाले बताएंगे क्या होगा क्या नहीं होगा, जिसको कोविड हो गया उसको बाद में कैसी हेल्थ रहेगी कैसी नहीं रहेगी वो तो केस स्टडी होके हेल्थ वाले बताएंगे। मैं तो देखो एक टीचर हूँ, मैं टीचर के हिसाब से बता सकता हूँ। इसका इफेक्ट जो होगा ना बेटे, वो आपको अभी डिग्री में तो इतना रिफ्लेक्ट नहीं होगा, डिग्री में तो क्या होता है इंस्टीट्यूट थोड़ा सा लीनियंट हो जाता है कि चलो बच्चे ऐसा हो गया बच्चे वैसा हो गया बच्चे रिक्वेस्ट करते हैं। इसका जो असली इफेक्ट दिखेगा ना जब आप किसी कंपनी में जॉब करने जाएंगे, वहां दिखेगा इसका इफेक्ट। जब कंपनी में जॉब करने जाएंगे और किसी सिमुलेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन को जब सिंथेसाइज कर रहे होंगे, जब किसी सॉफ्टवेयर के अंदर एक मेटल सेमीकंडक्टर की स्टडी कर रहे होंगे और वहां पे कोई फर्मी लेवल आ गया ना कि ये क्या रखना है, कोई मेटल आ गया, मेटल का वर्क फंक्शन आ गया, तब बिलीव मी, तब समझ में आएगा कि यार वो लेक्चर तो किया नहीं। फिर यूट्यूब पे दुनिया भर के लेक्चर ढूंढ रहे होंगे, दुनिया भर के थ्योरी समझ रहे होंगे, किसी की थ्योरी कैसी आएगी किसी की थ्योरी कैसी आएगी, ये इफेक्ट तब जाके नजर आएंगे। और आएंगे जरूर, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे, 100% आएंगे। चलिए खैर आगे चलते हैं। सो इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, तो आगे से हमेशा एक बात याद रखनी है, जितना फर्मी लेवल वैलेंस कंडक्शन बैंड के क्लोज उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन, जितना दूर उतने कम इलेक्ट्रॉन, बस। ओके आइए, अब ये दो बैंड डायग्राम यहाँ पे बने हुए हैं, एक मेटल का बना हुआ है और एक सेमीकंडक्टर का बना हुआ है। आइए इसको समझते हैं, इसका क्या मतलब है। अब इनके जंक्शंस बनाएंगे, जंक्शंस बनाने के बाद समझेंगे कि अच्छा इसके अंदर आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होगी, और अगर ऐसा नहीं होता तो आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होगी।
अब मान लिया जाए हमने यहाँ पे एक मेटल ले लिया और एक सेमीकंडक्टर ले लिया। अच्छा एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन क्या होता है? वर्क फंक्शन होता है किसी इलेक्ट्रॉन को फर्मी लेवल से निकालने में जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम वर्क फंक्शन कहते हैं। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस फ्रॉम द फर्मी लेवल इज नोन एज वर्क फंक्शन। एंड द इलेक्ट्रॉन द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कंडक्शन बैंड is known as the electron affinity। ये सारी की सारी बहुत छोटी definition, ये हमने 12th class में सारी की सारी पढ़ रखी है। Okay। अब यहां तो है n-type semiconductor का Fermi level, और ये है मान लिया जाए metal का Fermi level, और हमने मान लिया जाए ऐसा metal और ऐसा semiconductor choose किया जिसमें metal का work function let's say ज्यादा है semiconductor के work function से। Okay। कहां से पता चलेगा वर्क फंक्शन? गूगल पे जैसे ही डालेंगे कि व्हाट इज द वर्क फंक्शन ऑफ एल्यूमिनियम वो इमीडिएटली दे देगा, व्हाट इज द वर्क फंक्शन ऑफ गोल्ड वो इमीडिएटली दे देगा। सबके वर्क फंक्शंस ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहते हैं, ये चेंज नहीं होते हैं। हाँ सेमीकंडक्टर के वर्क फंक्शन चेंज हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि सेमीकंडक्टर का फर्मी लेवल चेंज होता है। ओके तो मान लिया जाए हमने एक ऐसा एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाया जिसका अपना एक वर्क फंक्शन है और वो वर्क फंक्शन लेट से कम है मेटल के वर्क फंक्शन से, और हम ऐसे दो मटेरियल का लेट से कांटेक्ट बनाना चाहते हैं, जंक्शन बनाना चाहते हैं, और उसको हम स्टडी करना चाहते हैं कि क्या वो ओमिक होगा या वो शॉर्ट की होगा। ये हमारा आज का अब टॉपिक हो गया, हमें ये समझना है दोनों में से। ओके तो हम ये वाली कंडीशन को पहले समझते हैं और समझ के देखते हैं कि ये क्या होगा। ओके जैसे ही जंक्शन बनाया तो क्या एक्सपेक्टेड है वो समझते हैं कि जैसे ही हमने जंक्शन बनाया तो हमें एक्सपेक्टेड क्या है। अब मान लीजिए आपके पास दो बोतल हैं और दोनों बोतल में वाटर फिल्ड है, वाटर भरा हुआ है। ओके और आपने उन दोनों वाटर में इस तरीके से, मैं अभी आपको दिखाता हूं, मान लीजिए एक वाटर की बोतल है इस तरीके की जिसमें यहां तक पानी का लेवल है, और एक वाटर की बोतल है ऐसी जिसमें यहां तक पानी का लेवल है। अब आपने किसी तरीके से इन दोनों में कनेक्शंस कर दिए, इन दोनों में कनेक्शंस कर दिए आपने, तो जब इन दोनों में कनेक्शंस कर दिए तो डेफिनेटली वाटर हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ फ्लो होगा, पहली बात। दूसरी बात, तब तक फ्लो होगा जब तक इक्विलिब्रियम ना आ जाए। इक्विलिब्रियम का मतलब जब तक वाटर का लेवल कांस्टेंट ना हो जाए दोनों बोतल में, तब तक वाटर फ्लो होता रहेगा हायर वाली बोतल से लोअर वाली बोतल की तरफ। अब एक बात बताओ, ये है फर्मी लेवल की पोजीशन। फर्मी लेवल की पोजीशन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बताती है। जिस तरीके से ये वाटर का लेवल है टॉप मोस्ट फील्ड एनर्जी लेवल, ऐसे यहाँ पे ये वाटर का लेवल है, ऐसे ये वाटर का लेवल की तरह एक्ट करता है फर्मी लेवल। मतलब क्या है कि जब तक दोनों डिवाइस अलग अलग हैं तब तक तो फर्मी लेवल अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एज सून एज यू मेक द कॉन्टैक्ट दोनों डिवाइस का फर्मी लेवल एक कांस्टेंट लेवल पर आना चाहिए। अगर कांस्टेंट लेवल पर नहीं है इसका मतलब ये है अभी उस डिवाइस में इक्विलिब्रियम नहीं आया है, मतलब अभी जो उसमें इलेक्ट्रॉन इधर से उधर उधर से इधर फ्लो होने थे वो अभी फ्लो हो रहे हैं। जैसे ही इक्विलिब्रियम आ जाता है फर्मी लेवल कांस्टेंट हो जाता है। तो अब फर्मी लेवल को कांस्टेंट करने के लिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन साइड विल जंप इनटू द मेटल साइड, एन साइड से मेटल की साइड में जंप करेंगे बिकॉज द एन साइड फर्मी लेवल इज हायर एंड द मेटल साइड फर्मी लेवल इज ऑन द लोअर साइड। तो हमेशा हायर वाले फर्मी लेवल से लोअर वाले फर्मी लेवल के ऊपर इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं। Okay, they will start jumping from semiconductor to metal and continuously jumping, and let's say a situation is reached where there is a thermal equilibrium, तो क्या होगा? यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन इतने पोर्शन से वो इलेक्ट्रॉन जंप करते रहे करते रहे करते रहे, 1000 इलेक्ट्रॉन ने जंप किया, 10,000 ने जंप किया, 50,000 ने जंप किया, 1,00,000 ने जंप किया, और लेट से इक्विलिब्रियम आ गया तो फर्मी लेवल तो कांस्टेंट हो गया। लेकिन एक बात बताओ, सेमीकंडक्टर के इतने पोर्शन के अंदर
इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई या एक्सेस हो गया, डेफिशिएंसी हो गई या एक्सेस हो गया, तो आंसर है कि डेफिशिएंसी हो गई। क्यों? क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहे हैं। अच्छा, तो अब मुझे एक बात बताओ, तो जो सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल ऐसे हमने रिप्रेजेंट किया था, ये था हमारा कंडक्शन बैंड, ये था हमारा फर्मी लेवल, तो ये क्या शो कर रहा था? ये शो कर रहा था कि यहां पर भी 1000 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर भी 1000 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर भी 1000 इलेक्ट्रॉन है। अब हुआ क्या, इतने पोर्शन में से, लेट मी टेक अनदर कलर पेन, इतने पोर्शन में से, इस ग्रीन वाले पोर्शन में से इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी हो गई, इलेक्ट्रॉन जंप कर गए, तो जहां पे हर जगह 1000 थे, अब यहां पे 100 रह गए। अब अगर यहां 100 रह गए तो फर्मी लेवल को कंडक्शन बैंड के पास दिखाना पड़ेगा या दूर दिखाना पड़ेगा? कोई मुझे बता सकता है प्लीज? अगर ये बताएंगे तो मुझे लगेगा कि आप बहुत ध्यान से सुन रहे हो, जितने ध्यान से मैं पढ़ा रहा हूँ उतने ध्यान से आप सुन भी रहे हो। अगर यहाँ पे 100 रह गए और यहाँ पे 1000 हैं, तो मुझे इस रीजन के अंदर फर्मी लेवल को कंडक्शन बैंड के पास दिखाना पड़ेगा या दूर? सर, दूर दिखाना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच, दूर दिखाना पड़ेगा। तो ये हमने कॉन्टेक्ट बनाया मेटल और सेमीकंडक्टर के अंदर। ये बैंड डायग्राम बेटे बड़े आसान, इतनी आसानी से समझ में नहीं आते, लेकिन अब देखो आसान हो गए। हुआ क्या, जैसे ही हमने कांटेक्ट बनाया, हायर वाले फर्मी लेवल से इलेक्ट्रॉन लोअर वाले फर्मी लेवल की तरफ जंप करते रहे, और तब तक जंप करते रहे जब तक दोनों का फर्मी लेवल कांस्टेंट लेवल पर नहीं आ गया। और ये जो सेमीकंडक्टर का इतना पोर्शन है जिस पोर्शन में से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहे थे, उस पोर्शंस में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, और अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई तो फर्मी लेवल को हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि फर्मी लेवल थोड़ा दूर चला गया कंडक्शन बैंड से। तो हम फर्मी लेवल को दूर ले जाने की बजाय हम कंडक्शन बैंड को दूर लेके जाएंगे, क्योंकि फर्मी लेवल एक ऐसा लेवल है जो इक्विलिब्रियम को बताता है। अगर इक्विलिब्रियम है तो df / dx 0 होना चाहिए, मतलब फर्मी लेवल एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। फर्मी लेवल को ऐसा नहीं करेंगे कि कंडक्शन बैंड की लाइन तो सीधी कर दें और फर्मी लेवल की लाइन को टेढ़ा कर दें कि भाई दूरी तो दिखा दी। नो, इसका ये मतलब हुआ कि अभी भी बॉटल में वाटर का लेवल डिफरेंट है, मतलब अभी भी इक्विलिब्रियम नहीं आया। तो थियोरिटिकल रिप्रेजेंटेशन में हमेशा फर्मी लेवल को कॉन्स्टेंट और बेंडिंग जो दिखाते हैं वो कंडक्शन बैंड में दिखाते हैं। जैसे आपने पीएन जंक्शन का बैंड डायग्राम इस तरीके का देखा होगा, उसमें फर्मी लेवल तो कॉन्स्टेंट दिखाते हैं ईएफ, और ये बेंडिंग बैंड्स में दिखाते हैं। अब आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि यूईसी 001 में अच्छा ऐसी बेंडिंग क्यों दिखाई थी। ओके, तो फर्मी लेवल से थोड़ा दूर चले गए कंडक्शन बैंड, दूर इसलिए चले गए, वो ये शो कर रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, यहाँ पर थोड़ी सी और कमी है, यहाँ थोड़ी सी कम कमी है, यहाँ थोड़ी सी कम कमी है, और ये वो रीजन है जो न्यूट्रल रीजन है, जहां पे कोई असर नहीं पड़ा, सिर्फ यहाँ का पानी ही जंप कर गया या यहाँ के इलेक्ट्रॉन ही जंप करके इक्विलिब्रियम आ गया। ओके, ये बन गया इक्विलिब्रियम के अंदर बैंड डायग्राम। मतलब जैसे ही हमने मेटल सेमीकंडक्टर का जंक्शन बनाया, वहां कुछ हलचल हुई, हलचल होके इलेक्ट्रॉन मेटल के अंदर जंप कर गए, जंप होने के बाद इमीडिएटली बाद का ये बैंड डायग्राम बन गया। अच्छा चलो, अब ये बैंड डायग्राम बन गया। अब मान लिया गया मैं वोल्टेज लगा रहा हूं, और वोल्टेज लगा के अब मैं इसकी आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स को जानना चाह रहा हूं कि व्हाट काइंड ऑफ ए कैरेक्टरिस्टिक्स नाउ दिस जंक्शन विल शो, whether there will be a linear or there will be a ohmic or there will be a short key, कैसी इसकी characteristics होंगी, तो समझने की कोशिश करते हैं कैसी इसकी characteristics होंगी। मान लीजिए मैं इसको forward bias में रख देता हूँ। forward bias का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए मैं semiconductor चूंकि n type है तो मैं n type को positive से connect कर देता हूँ, तो क्या होगा, n type है तो। अब देखते हैं, यहाँ देखिए हमने क्या किया, फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस मतलब हमने एन साइड को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। ये देखिए एन साइड को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया तो ये फॉरवर्ड बायस हो गई, क्योंकि हमें पता है एन साइड को पी को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं तब हमारा फॉरवर्ड बनता है, और एन को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं तो हमारा रिवर्स
सॉरी पी को पॉजिटिव से एन को नेगेटिव से करते हैं तो फॉरवर्ड बनता है, बिल्कुल सही है। तो हमने एन को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया तो ये फॉरवर्ड बन गया। नेगेटिव वोल्टेज क्या करेगा? नेगेटिव वोल्टेज इसकी पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा देगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव और नेगेटिव पोटेंशियल भी नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डेफिनेटली बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन मूव करना आसानी से मूव करेंगे नेगेटिव वोल्टेज को देखते ही। तो अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी तो ये जो बैरियर पहले ज्यादा था वो बैरियर अब कम हो जाएगा। देखते हैं कहाँ पे, ये देखो ये एक बैरियर बना था, ये देखो ये एक बैरियर बना था, और इस बैरियर की हाइट कितनी थी? ये बैरियर किसकी वजह से बना था? दोनों साइड के फर्मी लेवल के डिफरेंस की वजह से बना था। देखो दोनों साइड के फर्मी लेवल के डिफरेंस की वजह से बना था, और दोनों साइड के फर्मी लेवल का डिफरेंस था कितना? क्यू फाई एम था वर्क फंक्शन मेटल का और क्यू फाई एस था वर्क फंक्शन सेमीकंडक्टर का। तो ये जो डिस्टेंस थी ये कितनी थी? ये थी क्यू फाई एम माइनस क्यू फाई एस। तो इसका मतलब इस क्यू फाई एम माइनस क्यू फाई एस को बराबर करने के लिए इलेक्ट्रॉन ने जंपिंग की थी। इसका मतलब ये बैरियर भी क्यू फाई एम माइनस क्यू फाई एस के बराबर बना था, जिसको पोटेंशियल बैरियर या जिसको बिल्ट इन पोटेंशियल के नाम से जाना जाता है, बिल्ट इन पोटेंशियल, है ना? ओके, जैसे ही हमने फॉरवर्ड बायस में एन साइड को नेगेटिव किया और पी मतलब मेटल की साइड को पॉजिटिव किया, तो नेगेटिव ने इस लेवल को थोड़ा सा उठा दिया, क्योंकि एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बढ़ा दी। अगर इसको उठा दिया तो जाहिर सी बात है ये बैरियर कम हो गया। ये बैरियर कितना रह गया? अगर वी पोटेंशियल से उठाया तो क्यू वी नॉट माइनस वी बच गया। ओके, व्हाट डज इट मीन? इट मीन अगर मैं पोटेंशियल लगाता चला जाऊंगा, लगाता चला जाऊंगा, लगाता चला जाऊंगा, जब तक V नॉट से बड़ा नहीं लगाऊंगा तब तक यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे। और जैसे ही ये पोटेंशियल इस V नॉट से बड़ा हो जाएगा तो ये फ्लैट हो जाएंगे और यहाँ से इलेक्ट्रॉन फिर धड़ाधड़ 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 जंप करने शुरू कर जाएंगे। और अगर मान लिया जाए मैंने उल्टा पोटेंशियल लगा दिया, मान लिया जाए मैंने इधर पॉजिटिव रख दिया, तो पॉजिटिव रख दिया इनसाइड में, तो ये रिवर्स बायस हो गया। अगर ये रिवर्स बायस हो गया तो ये पोटेंशियल और बढ़ गया। अगर ये और बढ़ गया तो अब तो इलेक्ट्रॉन जंप कर ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या है? एक डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी और एक डायरेक्शन में करंट फ्लो नहीं होगी, और एक में जिसमें फ्लो होगी उसमें भी काफी टाइम के बाद वी नॉट के बाद करंट फ्लो होगी। ऐसे कॉन्टेक्ट को रेक्टिफाइंग कॉन्टेक्ट कहते हैं, विच अलाउ फ्लो टू करंट ओनली इन वन डायरेक्शन नॉट इन अनदर डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम सेमीकंडक्टर टू मेटल बिकम्स नेग्लिजिबल। आपने ये पोटेंशियल बढ़ा भी दिया तो सेमी, आपने जैसे ये पोटेंशियल लगा दिया वी आर रिवर्स पोटेंशियल लगा दिया, रिवर्स लगाते ही अब इलेक्ट्रॉन इतने बड़े बैरियर से कैसे जंप करके यहाँ क्रॉस करेंगे? सो द इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम सेमीकंडक्टर टू मेटल बिकम्स नेग्लिजिबल, हियर इट इज बिहेविंग लाइक ए रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड। तो जैसे रिवर्स बायस का पीएन जंक्शन डायोड काम करता है, उसमें क्या होता है? करंट फ्लो ही नहीं होती, ऐसे ये फ्लो करेगा। ओके, जबकि अगर हमने पोटेंशियल फॉरवर्ड लगाया है सो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन बिकम्स इजियर फ्रॉम सेमीकंडक्टर टू मेटल। क्यों? क्योंकि ये बैरियर अब रिड्यूस होता चला जा रहा है, जितना रिड्यूस होता चला जा रहा है उतने इलेक्ट्रॉन के चांसेस ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं कि वो जंप करें। तो ये जो डायोड बना हमारा, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स बनी वो कुछ कुछ पीएन जंक्शन डायोड की तरह, सिमिलरली पीएन जंक्शन डायोड की तरह बनी, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम शॉर्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, या रेक्टिफाइंग कॉन्टेक्ट हम बोलते हैं बेसिकली। शॉर्ट की स्पेलिंग गलत हो रही है, SCHOTTKY, शॉर्ट की कॉन्टेक्ट्स या शॉर्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स हम इसको बोलते हैं। शॉर्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स मीनिंग करंट ओनली फ्लो फ्रॉम वन डायरेक्शन नॉट इन अनदर डायरेक्शन। अनदर डायरेक्शन में तो बिल्कुल जीरो, वही रिवर्स सैचुरेशन करंट, थोड़ी बहुत ही रिवर्स सैचुरेशन करंट, मतलब कुछ अगर होल यहाँ पर होंगे तो होल के लिए चूंकि ऊपर बैरियर नहीं होता, होल के लिए नीचे बैरियर होता है। ये सेमीकंडक्टर की थियोरिटिकल नोटेशंस होते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऊपर चढ़ने में दिक्कत है, होल को नीचे जाने में दिक्कत है, क्योंकि नीचे पॉजिटिव एनर्जी बढ़ रही है, ऊपर नेगेटिव एनर्जी बढ़ रही है। ये कन्वेंशंस लिए गए हैं सेमीकंडक्टर थ्योरी के अंदर। तो यहाँ पे होल इजीली यहाँ जा सकता है, तो कुछ 2-4, 10-12 होल जो इसके अंदर है उसकी वजह से करंट फ्लो होती है रिवर्स में, जो करंट बहुत छोटी सी करंट फ्लो है वो यहाँ पे दिखाई।
सो दिस इज नोन एज ए रेक्टिफाइंग कॉन्टैक्ट. सो इसका क्या मतलब समझ में आया? इसका मतलब ये समझ में आया, वेन एवर phi m इज ग्रेटर देन phi s, देयर इज ए रेक्टिफाइंग कॉन्टैक्ट. There is a rectifying contact. ये मतलब समझ में आया. And this has to be n-type semiconductor. हो सकता है अगर ये p-type semiconductor होता तो theory change हो जाती. ये सिर्फ n-type semiconductor के लिए valid है कि n-type semiconductor में whenever phi m is greater than phi s, there will be a Schottky contact. Okay. अगला example लेते हैं. Ohmic contact का. क्या लेट्स से phi m is less than phi s and let's say it is n type semiconductor only. मान लिया जाए n type semiconductor में ही phi m छोटा हो जाए phi s से और phi s बड़ा हो जाए, तब कौन सा contact बनता है? तब ohmic contact बनता है. ऐसे ही आपने p type के लिए भी study करना है. अगर आपको lab के अंदर मान लिया जाए और metal semiconductor contacts का poster बनाने के लिए मिला है तो ये थ्योरी आपको बहुत हेल्प करेगी. ये सारी स्लाइड्स के ही फिगर वहां पे आएंगे, ये सारी अंडरस्टैंडिंग वहां पे आएगी. ओके, तो ये क्या है? अब आप सारा का सारा आप खुद अंडरस्टैंड कर सकते हैं. अब phi m छोटा है तो ये ऊपर हो गया, phi s छोटा है बड़ा है तो ये नीचे चला गया. जाहिर सी बात है अब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जम करेंगे. अब जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जम करेंगे तो जाहिर सी बात है इतने पोर्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो जाएगी. अगर इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो जाएगी तो कंडक्शन बैंड को थोड़ा सा क्लोज दिखाना पड़ेगा फर्मी लेवल के. अगर क्लोज दिखाना पड़ेगा तो ये क्लोज आ गया. देखो ये क्लोज आ गया, ये फर्मी लेवल है आपका. फर्मी लेवल के क्लोज आ गया, ये फर्मी लेवल के क्लोज आ गया, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है. अगर इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है और अब आप कोई वोल्टेज लगा रहे हो, मान लिया जाए अब आप फॉरवर्ड लगा रहे हो या मान लिया जाए अब आप रिवर्स लगा रहे हो, तो कैसा करंट होगा? अब मान लिया जाए आपने क्या लगाया, फॉरवर्ड लगाया. फॉरवर्ड लगाया तो क्या होगा? देखो फॉरवर्ड को समझ लेते हैं. फॉरवर्ड में हमने क्या किया था? फॉरवर्ड में हमने एन साइड को नेगेटिव रखा था. एन साइड को नेगेटिव रखो, नेगेटिव रखने से क्या होता है, ये और ऊपर चले आते हैं, ये और ऊपर चले गए, ये और ऊपर चले गए. और इलेक्ट्रॉन को आसानी हो गई यहाँ से जंप करने में. जितना ऊपर जाते जाएंगे इलेक्ट्रॉन को उतनी आसानी होती चली जाएगी जंप करने में. इसका मतलब करंट बढ़ती चली जाएगी फॉरवर्ड में. एज सुन एज यू विल मेक इट ए फॉरवर्ड, एज सुन एज, इसमें अब देर नहीं है, इसमें कोई बैरियर नहीं है. ये तो बल्कि तो इलेक्ट्रॉनों के लिए और अच्छा है. ऐसा बैरियर तो इलेक्ट्रॉनों की बैरियर थोड़ी हुआ, ये तो फेवर कंडीशन हो गई इलेक्ट्रॉन्स के लिए. तो जैसे ही आप करंट बढ़ाएंगे, इमीडिएटली जैसे ही आप वोल्टेज बढ़ाएंगे, आपकी करंट बढ़ती चली जाएगी. ओके, ये हो गया आपका ओमिक कॉन्टैक्ट. अगर मान लीजिए आपने रिवर्स लगाया, रिवर्स लगाया तो क्या हुआ? अब आपने रिवर्स वोल्टेज लगा दिया. मान लीजिए आपने इधर क्या कर दिया, पॉजिटिव वोल्टेज कर दिया और इधर नेगेटिव कर दिया. अब पॉजिटिव वोल्टेज से क्या हुआ, चूंकि ये जो बैरियर की डायरेक्शन बन गई, ये डायरेक्शन आपकी फेवरिंग है. मान लीजिए आपने इसको ऐसे भी करते चले गए, आपने इसको फॉरवर्ड करते चले गए, मान लीजिए रिवर्स करते चले गए, आप इसको नेगेटिव एनर्जी देते जा रहे हो, तो भी ये सिचुएशन इस तरीके की होगी. तो भी इतना जो अमाउंट है, ये हमें देखने में ऐसा लग रहा है ये तो बहुत कम है, मगर यहाँ तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी. दीज इलेक्ट्रॉन स्टिल कैन गो इजीली लाइक दिस, और नॉट लाइक दिस, थोड़ा सा चेंज करेंगे, क्योंकि हमने ये रिवर्स बायस किया है. तो रिवर्स बायस में ये होगा नेगेटिव और ये होगा पॉजिटिव. सो डेफिनेटली द इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम मेटल टू सेमीकंडक्टर. सो मेटल ये है और ये आपका नीचे जाता चला जाएगा, कोई बात नहीं. इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा और इजिली इधर जम कर जाएगा. इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा और इजिली जम कर जाएगा. इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा और इजिली जम कर जाएगा. वॉट डज इट मीन? इट मीन्स दोनों साइड में बराबर करंट फ्लो हो रही है. इधर से ऐसे फ्लो हो रही है, इधर से ऐसे फ्लो हो रही है. इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सीधा ये मतलब हुआ कि हमारा जंक्शन ऐसे बन जाएगा. ये हमारा क्या हो गया? ओमिक कॉन्टेक्ट हो गया. अब ऐसा कौन से मटेरियल होते हैं? तो मान लीजिए आपका वर्क मेटल होगा एल्यूमिनियम, और मान लीजिए आपकी वेफर है पी टाइप सिलिकन, तो भी बहुत अच्छा बनता है ओमिक. और मान लीजिए आपकी एल्यूमिनियम है मेटल और N प्लस आपने ले लिया सिलिकन, N प्लस बहुत ज्यादा तगड़ा प्लस ले लिया आपने सिलिकन, तो भी आपको ओमिक कॉन्टैक्ट जैसा ही कॉन्टैक्ट बनता है, या इसको टनलिंग कॉन्टैक्ट कह देते हैं कि यहाँ पे टनलिंग पॉसिबल हो जाती है और टनलिंग की वजह से भी इलेक्ट्रॉन दोनों साइड के अंदर मूव करना शुरू कर. तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट क्या बात आ गई?
whenever you are taking a n-type semiconductor, let's say आपने एक वेफर उठाई, n-type semiconductor की वेफर आपने उठाई, और n-type semiconductor में एक आपने दो तरीके के आपने मेटल चूज कर लिए, दो तरीके के, M1 और M2, एल्यूमिनियम और गोल्ड, let's say, और अगर phi M greater than phi S है, तो आपका बन गया शॉर्ट की, जो हमने पहले कंडीशन पढ़ी, ये phi M greater than phi S, ये देखिए phi M greater than phi S कहाँ है, ये है phi M greater than phi S, तो बन गया शॉर्ट की। और अगर हमने पढ़ा phi M less than phi S, ये रखा हमने phi M which is less than phi S, तो हमारा बन गया ओम। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग हमें अपने साथ कैरी करके लेके जाना। सिमिलरली जब आप पोस्टर बना रहे होंगे, और अगर आपको ये टॉपिक आया है, तो आपने पी टाइप की भी अंडरस्टैंडिंग लेनी है, कि मान लिया जाए आपका सेमीकंडक्टर है पी टाइप, तब दोनों केस M1 मेटल और M2 मेटल, मतलब तब phi M greater than phi S में क्या होगा, और तब phi M less than phi S में क्या होगा, उसके लिए आपने कैसे स्टडी करनी पड़ेगी, उसके लिए आपने यहां से शुरुआत करनी पड़ेगी, स्टेप बाय स्टेप चलना है। ये पीपीटी अपने आप में सफिशियंट है उस चीज को समझने के लिए। मान लिया जाए यहाँ पे आपने क्या कर दिया, phi m greater than phi s तो है ही है, और आपने यहाँ पे एक सेमीकंडक्टर बना लिया जो पी टाइप बनाना है, तो पी टाइप एक सेमीकंडक्टर बना लेना, ये हो गया ईसी, ये हो गया ईवी, और ये ईवी के पास ये बना लेना ईएफ, और इसको स्टडी करना कि भैया क्या होगा, फर्मी लेवल ऊपर है, यहाँ का फर्मी लेवल नीचे है, होल किस साइड जंप करेंगे, और वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, रिकम्बाइन करेंगे, यहाँ से होल्स की संख्या कम हो जाएगी, क्या होगा, ये ऊपर को जाएंगे या नीचे को जाएंगे, किस तरीके से बेंडिंग होगी, और बेंडिंग होने के बाद क्या वो ओमिक बनेगा या वो शॉर्ट की बनेगा। ये आपका होमवर्क है, ये आपने इस पे स्टडी करके मुझे बताना है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कि सर इन दोनों कंडीशंस में क्या होता है। अगर लेट से हमारे पास एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है और हमने phi m greater than phi s लिया, तो whether we expect a short key, और अगर phi m less than phi s लिया, so whether we expect a ohmic, और vice versa, क्या इसका रहेगा। यहाँ पे कुछ मेटल्स के वर्क फंक्शंस दिए गए हैं, जैसे सिल्वर का ये होता है इतनी रेंज में, गोल्ड का इस रेंज में, बेरिलियम का इस रेंज में, कैल्शियम का इस रेंज में, कॉपर का इस रेंज में, है ना, तो ये याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट यहाँ पे हमने मेंशन किया है कि कभी आपको जरूरत पड़े, मान लिया जाए आप कोई प्रोजेक्ट या मान लिया जाए आप कोई सिमुलेशन कर रहे हैं, और उस सिमुलेशन में आपने चूज करना है कि ओके मुझे एक ऐसा मेटल, ऐसा सेमीकंडक्टर या ऐसा मेटल लेना है जिसका मुझे 5.2 या 5.9 चाहिए। इसमें से जो इंपॉर्टेंट याद रखने वाले हैं वो एक तो एल्यूमिनियम का होता है कि 4.2 की रेंज में होता है, ये 4.2 माना जाता है इसका, एक गोल्ड का होता है जिसका 5.2 माना जाता है नॉर्मली, है ना, और एक दो मेटल इसमें और, प्लैटिनम इसमें इंपॉर्टेंट होता है, कहां पे लिखा हुआ है प्लैटिनम देखते हैं, पीटी 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 कहां है, प्लैटिनम ये है, इसका थोड़ा ज्यादा होता है ना, 5.6 के आसपास होता है नॉर्मली, ये पूरी रेंज लिखी हुई है, डिपेंडिंग अपॉन आपने इसको स्पटरिंग से बनाया है, डिपेंडिंग अपॉन आपने कैसे बनाया है, थोड़ा बहुत ही चेंजेस इसके अंदर आ जाते हैं। एक थोड़ा सा टाइटेनियम का इंपॉर्टेंट होता है, ये दो चार मेटल ही इंपॉर्टेंट है जिनके हमें वर्क फंक्शन एक्चुअली याद होने चाहिए, बाकी किसी के याद ना मुझे है ना आपको होने चाहिए, ये अपने आप ही हम देख के ही इसको स्टडी करते हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा टॉपिक था मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन का। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ट्राई करेंगे MOS को भी इंक्लूड करने की। ये मैं लेक्चर आपका LMS के ऊपर एज इट इज डाल दूंगा। थैंक यू। आपको कोई